वेलकम टू दी लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे मैं कैसे पहुँचा हूँ उसके लिए पहले आपको कुछ दिन पीछे जाना होगा। आज शिलोंग से शेयर टैक्सी लेके मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी, जहाँ से मेरी रात की ट्रेन है आंध्र प्रदेश की। लेकिन उससे पहले मेरे पास ये दो बैग हैं, उसमें से मेरे को एक बैग को ठिकाने लगाना है। तो गुवाहाटी में है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त का घर, जिससे मैं 25 डेज ऑफ बैकपैकिंग ट्रिप में मिला था। तो मैं पहुँच जाता हूँ उसके घर। वो तो घर पर नहीं होता, पर उसके पेरेंट्स मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनका ही बच्चा हूँ। इतने हक से मेरे को खाना खिलाते हैं कि मुझे अपने घर की याद आ जाती है। थैंक यू सो मच और उसकी फैमिली का मेरे को इतना प्यार देने के लिए। अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए एक इनर लाइन परमिट बनता है, वो यहाँ का क्राइटेरिया है, उसके बगैर आप यहाँ कहीं भी नहीं घूम सकते। ये है वो इनर लाइन परमिट जिसको लेके अब मैं कहीं भी अरुणाचल प्रदेश में आराम से घूम सकता हूँ। तो चलो साथ में चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश घूमते हैं। चलिए अब भाई, रेलवे स्टेशन से तो निकल गया और वहाँ 800,000 रुपये 12 किलोमीटर के मांग रहे हैं भाई। मतलब टूरिस्ट को देख के कुछ भी। अब बाहर तक जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ ना कुछ और जुगाड़ बन जाए तो, क्योंकि सुबह सुबह मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे पता लगा है कि मैं जीरो जो जा सकता हूँ वो ईटानगर से जो है ना, मेरे को 6 टैक्सी मिल जाएगी। और वहाँ तक जाने के लिए 800,000 रुपये मांग रहे हैं भाई। भाई लोकल ये कह रहे हैं कि जगह तो बहुत अच्छी चुनी आपने, बट सीज़न बहुत गंदा चुन लिया आपने। अब यहाँ सिर्फ बारिश की चढ़ी मिलेगा। ये भाई रोड की हालत है, हमें बहुत बुरा हाल है रोड का। मैं तो भाई एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन करते जा रहे हैं। अब बाहर तक जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो 800,000 रुपये मैंने बताया था। बाहर इन्होंने कहा हाइकिंग करके आप जा सकते हो अगर कोई आपको ईटानगर तक छोड़ दे तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मुझे आज जाना है जीरो, और जीरो के लिए लास्ट टैक्सी है 10 बजे, और मैं हूँ और इस टाइम बच चुके हैं 8:30। समय से पहुंच जाऊं वरना यहाँ ईटानगर ही रुकना पड़ेगा मुझे आज के लिए। ईटानगर तक तो पहुंच गया और मौसम पूरा खराब हो चुका है, बस जीरो के लिए टैक्सी और मिल जाए यार, वरना मामला बहुत खराब होने वाला है मुझे दिख रहा है जी। तो दो बहुत बढ़िया काम हो चुके हैं, एक तो लास्ट सीट बची थी 10 नंबर की और लास्ट टैक्सी की, वो मेरे को मिल चुकी है, और एक मौसम साफ हो चुका है। यहाँ के लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं जो मेरे आगे के प्लान्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर लो आप, कि इधर की बजाय उधर चले हो, उधर की बजाय इधर। बट एक सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे है, मैं जहाँ पे हूँ चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ, वापस टैक्सी के लिए मुझे यहीं आना पड़ेगा, कहीं और के लिए नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मेरा जीरो से मन था पासीघाट, पासीघाट से मेचुका, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुनाऊंगे, मैं जानता हूँ आप लोगों को घुमाऊँगा, तसल्ली से टेंशन मत लो। बट प्रॉब्लम ये कि ईटानगर में ही आपको मिलेगी। अब पहले जीरो जाऊँगा, फिर जीरो से वापस, फिर वहाँ से पासीघाट, पासीघाट से आलो, आलो से मेचुका, मेचुका से फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। मतलब कहीं का भी बने मिलेगी सिर्फ यहीं से ही। पंगा है थोड़ा सा यार, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, लोग बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें बेस्ट हैं, बट एक चीज़ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार यहाँ पे। और अभी ये भी कह रहे हैं कि आगे तक जो है रोड की भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, हम तो एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता है आप लोगों को भी घुमाएंगे और दिखाएंगे। तो पहुंच गया जीरो, और एक बंदे की वजह से इतना बढ़िया सीन हो गया ना। मेरा भाई एक है लोन रेंजर ट्रैवलर, उसका यूट्यूब चैनल है, और वो कुछ दिन पहले ऐसे ही ट्रिप पे निकला हुआ था, अभी उसके व्लॉग्स आने बाकी हैं। उसने मेरे को ये जगह सजेस्ट करी थी। क्या ही जगह है भाई, भाई अभी नई बनी है और इतने कम प्राइस में। पहले मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग प्राइस गेस करो कमेंट में। चीटिंग नहीं, आगे स्किप नहीं करना, पहले गेस करना और फिर देखना क्या प्राइस का मिला। ये बाहर से व्यू है, अब
देखो और गेस करो आप लोग, ये आएगा हट वाला। प्लीज ये गेस करो नीचे कमेंट में, जरूर करो क्योंकि शॉक हो जाओगे। ये सिर्फ मेरे को मिला है 300 रुपये में। अब आप देख लो उस भाई की वजह से देखो कितना फायदा हो। भाई को जाके जल्दी सब्सक्राइब करो, लोन रेंजर ट्रैवलर, मैं नीचे जो है बायो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। तो भाई उस भाई की वजह से देखो कितना बढ़िया सीन होंगे, वरना मैं भी धक्के खाता, कुछ ना कुछ थक हार के कुछ भी ले ही लेता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है मेरे साथ, अभी टैक्सी स्टैंड पे जा रहा हूँ, वापस जाने का कुछ देख रहा हूँ जिससे वापस जा सकूँ। कुछ पर्सनल दिक्कत हो चुकी है और आगे बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ है। चलो पहले टैक्सी वगैरह का देखते हैं कि वापस का क्या हिसाब बनता है। जितना जल्दी हो सके मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर टैक्सी मिलती है तो अभी मैं फ्लाइट वगैरह की जो टिकट है वो अभी बुक कर दूँगा। नहीं होती है फ्लाइट वगैरह नहीं मिल पाती है तो मैं फिर ट्रेन वगैरह देखूँगा, बट जितना जल्दी हो सके मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। दो चीजों को लेके इमोशनल हुआ हूँ, एक अपनी ट्रिप को लेके और एक जो इमरजेंसी हुई। मेरा ट्रिप छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट ऐसी इमरजेंसी है जिसमें मेरे को जाना ही पड़ेगा, तो कुछ अभी बुक नहीं है। बस यहाँ से अपना ईटानगर तक जा रहा हूँ, ईटानगर से रास्ते में अभी ट्रेन बुक कर दूंगा गुवाहाटी के लिए, गुवाहाटी से देखते हैं कैसे जाते हैं, चलते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है लाइफ में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लिखा होगा इसमें। इस प्यारे से व्यू को छोड़ के और इस भाई को छोड़ के ओके, नाइस टू मीट यू भाई, जल्दी ही मिलते हैं। चलते हैं भाई, सब कुछ बैकपैक रेडी हो चुका है और जल्दी आएंगे दोबारा एक्सप्लोर करेंगे और इस बार और ढंग में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब नहीं हो पाया तो गुवाहाटी का थोड़ा बहुत प्लान है मेरा, क्योंकि फ्लाइट की टिकट नहीं हो पाई मेरी, ट्रेन से ही देखता हूँ अभी करूँगा उसकी भी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं। सुबह तक अभी सिर्फ ये देख रहा था कि जीरो को कैसे एक्सप्लोर करूँ और एकदम से कॉल आती है और मैं वापस। चलो अपनी सुमो हम इंतजार कर दिए, चलो चलते हैं। हाँ जी, तो आ गया नहर लगन स्टेशन पे और अभी 4:30 बजे हैं और 8 बजे की मेरी ट्रेन है, इतने 3-4 घंटे यहीं पे बिताने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। अब वहाँ से मैं लेट भी आ सकता था बट वो पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो सूमो चलती है, शेयर टैक्सी चलती है, उसका टाइम फिक्स है। जिससे मैं आया हूँ वो लास्ट थी, उसके बाद नहीं थी, तो अभी स्टेशन पे बैठते हैं आराम से। चुके हैं इंतजार करते हुए और अब तक तो ट्रेन आई नहीं है, ना लगी है, लग भी जाएगी ना ट्रेन, मैं तो अंदर जाके बैठ जाऊंगा। कभी चल लेगा तब आएगा ना तू। हाँ जी, तो आ गया वापस और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिप पूरी तो नहीं हो पाई, बट आते ही मम्मी ने मेरे को क्या बात बोली, मम्मी मेरे को कहती है कि तू एक हफ्ते बाद दोबारा जा सकता है, ठीक है जा सकता हूँ ना। रिएक्शन से आपको पता लग गया होगा मम्मी ने हाँ कर दी है, तो जल्दी मिलते हैं अगली ट्रिप पे।